नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती दीदी की रेसिपी में। तो एक बार फिर से चटपटा नाश्ता लेके हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो चले रेसिपी स्टार्ट कर ले, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ चटपटा नाश्ता। इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप आटा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच अजवाइन। तला भुना खाते हैं ना, तो अजवाइन से पेट बहुत अच्छा रहता है, तो हाजमे के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है आटे में। अब मैं इसी में डालूंगी थोड़ा सा नमक। अब आटे की हम अच्छे से मालिश, देखिए तेल से मैंने इस तरह से मालिश कर दी आटे की। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो लगाऊंगी, और डो मुलायम ही रहेगा। लेकिन तो पूड़ी की तरह हमें इसका डो लगाना है, जैसे बेस बनाते हैं उस तरह से इसका डो लगाना है। सो फ्रेंड्स, मेरा आटा गूंथ गया है, तो इसे मैं रख दूंगी साइड में 10 मिनट के लिए। तो अब हम इस मसाला तैयार कर लेते हैं स्टफिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच तेल डाला है। तो अब मैं 5 फोरन डाल दे रही हूँ उसमें। आपने देखा होगा मैं 5 फोरन डालती हूँ मैं, और ये यूपी का रहता है। सबसे पहले मैं अब इसमें डाल, इसके बाद अदरक और साथ ही साथ कुटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे सब कुछ मैंने कूट के लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं कटा हुआ प्याज ले रही हूँ बारीक टुकड़ों में, जो मैंने काट लिया है। तो ये बस क्रंच के लिए मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, प्याज को मैंने ज्यादा नहीं पकाया, तो यहीं पे मैं हल्दी डाल दे रही हूँ 1 चुटकी, और साथ ही साथ 1/2 चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। मैंने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नहीं लिया है। तो बस इसे हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें 3 बड़े आलू डाल रही हूँ, जो मैंने फोड़ लिया था। अच्छे से मिला लेना इसे। यहीं पे मैं स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ, और टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं 1 चुटकी आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और आपको लगता है तो धनिया भी डाल लीजिए। अभी इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिला लेना है, चम्मच से इसे थोड़ा थोड़ा दबा लेना है। सो फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है मसाला। तो अब चलो इसका फ्रेंड्स, मसाला रेडी हो चुका है, तो चलो अब स्टफिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आटे की थोड़ी सी और मालिश कर लेते हैं हम। और चाकू से इसमें कट कर ले रही हूँ, हमें चकली बनाने में आसानी होगा। अब एक एक करके लोई बनाकर इसे बेल लेती हूँ मैं। कुछ इस तरह मैं बेल ले रही हूँ रोटी की तरह। ले लो बेनी, चाकू से मैंने कुछ इस तरह से 4 टुकड़ों में इसे कट कर लिया है। तो अब क्या करना है हमें, ये मसाला ले लेना है और कुछ इस तरह से रख देना है, और फिर और मसाला लेके हमें इन 4 टुकड़ों पे रख देना है कुछ इस तरह से। तो ये रेसिपी समोसे की तरह ही तैयार हो जाती है, बहुत झटपट सा बन जाता है। तो अब हमें पानी लेना है और चारों किनारों पे लगा लेना है। तो पानी को हमें ठंडा ही पानी लेना है। बाहर की भी साइड से हमें पानी लगा लेना है। अब एक कोना उठाना है और इसमें मोड़ देना है। देखिए कितना आसान रेसिपी है ये, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये देखिए बच्चों को ये बहुत पसंद आता है दोस्तों, बड़े को भी तो पसंद आएगा ये ऑब्वियसली। सो फ्रेंड्स, इतना समोसा मैं देखिए बना ली हूँ, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक एक डाल दे रही हूँ समोसे। मैंने
इतनी ज्यादा गर्म नहीं लिया था, मीडियम फ्लेम पे रखा था, तो अब लो फ्लेम पे इसे पकाना है क्रिस्पी बनाने के लिए। तो इस तरह से अलट पलट लेना है, तेल से इसे छींटे मार देना इन सब के ऊपर। ये देखिए छींटे मारते ही इनमें देखिए कैसे बदलाव आ रहा है। तो मैं एक एक अलट पलट ले रही हूँ। फिर इसे गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे समोसों को गोल्डन फ्राई कर लिया है, तब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। तेल को झाड़ लेना है। तो बाकी के भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे बनाते समय बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है। कुछ ही मिनटों में ये तैयार हो जाता है, बस आलू उबले रहने चाहिए। और ये मैदा भी नहीं इस्तेमाल किया मैंने, मैदे का भी बचत हो जाता है, मैदा भी खरीदना नहीं पड़ता है, बस घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाता है, जो सबको दिलों को बहुत भाता है। सो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा समोसे के दूसरे बैच भी पक चुके हैं, तो इन्हें निकाल ले रही हूँ मैं। समोसे तैयार हो गए, तो चलिए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए मैं एक टुकड़ा अदरक ली हूँ, लहसुन ली हूँ और ढेर सारी मिर्ची ली हूँ। हमें तीखा चटनी चाहिए। और यहीं पे मैं नमक ले रही हूँ स्वाद अनुसार, तो नमक भी थोड़ा ज्यादा ही है, तो पीस लेते हैं इसे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से पीस लेती हूँ मैं। तिल की चटनी की बात ही कुछ और होती है। लहसुन मिर्ची नमक की चटनी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे उठा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये चटनी रेडी हो गई है, तो चलो अब सर्विंग के लिए तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने प्लेट में सब कुछ रख लिया है, चटनी और समोसे। तो साथ ही साथ मैं हल्का सा इसमें चाट मसाला डालूंगी, जिसके बिना मुझे अधूरा लगता है चटपटा नाश्ता। तो अब मैं दिखाती हूँ इसे फोड़ के। ये देखिए हरी चटनी के साथ तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये चटपटा सा नाश्ता खाने के लिए तैयार हो गया है, तो फटाफट रेसिपी नोट कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे फोटो के नीचे चैनल का नाम है, चैनल के बाजू में है सब्सक्राइब का बटन, तो उसे धक-धक क्लिक कर देना है, और क्लिक करना एकदम फ्री है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में सभी में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।